दोस्तों, बालों का झड़ना अभी के दौर में काफ़ी ज़्यादा आम होते जा रहा है। जिसको आप देखो उनके बालों में प्रॉब्लम है। कई लोग के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो कई लोग के बाल काफ़ी थिन हो रहे हैं। दोस्तों, अभी के टाइम पे लोग केमिकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगे। कोई लोग जेल वैक्स रोजाना यूज़ कर रहे, हेयर ड्रायर का रोजाना यूज़ कर रहे, जिससे उनके बाल पतले हो रहे, ड्राई हो रहे, डैमेज हो रहे और उनको बालों के झड़ने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो अगर आपको भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करके अपने बालों की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हो और आपके जो बाल टूट रहे, झड़ रहे या थीन हो गए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो हेयर फॉल से, तो उस सभी प्रॉब्लम में ये टिप्स काम आएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, बिल्कुल खास वीडियो होने वाली है। और आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो चलिए स्टार्ट करते। दोस्तों, अगर आपको बालों में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, आपके बाल थिन हो रहे हैं, तो उन बालों को रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बाल नॉर्मल वेवी है, ड्राई है, तो आप सिर्फ एक वाइट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली, डैमेज है और काफ़ी ज़्यादा थिन बाल है, तो उन बालों के लिए एक योल्क भी यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको उस हिसाब से यूज़ करना है एक का। उसके अंदर आपको ओलिव ऑयल मिलाना है। अंडे और ओलिव ऑयल को आपको नहाने से एक घंटे पहले लगा लेना है। इस रेमेडी को आपको वीक में कम से कम 3 बार यूज़ करना है, जिससे आपके बालों की ड्राइनेस कम होगी और आपको स्प्लिट एंड्स कम होने लगेगी। नंबर 2, लेमन। लेमन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे स्केल्प की क्लीनिंग करने के लिए, स्केल्प में से डर्ट को रिमूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन कई लोग गलतियां करते हैं, लेमन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, जिससे उनको उल्टा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उनके बालों में सफ़ेदी आने लगती है, यानी उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं या उनके बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जब वो लेमन का यूज़ करते हैं। तो आपको लेमन को किस तरीके से यूज़ करना हो मैं आपको बता दूँ। आप जब भी लेमन को यूज़ करो तो उससे पहले आप ऑयलिंग कर लो। जो भी आपको अच्छा हो, हेयर ऑयल हो, उसको लगाने के बाद आप लेमन का रस अपनी स्केल्प पर लगा सकते हो। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ जमा हो गई, उन लोगों के लिए लेमन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप लेमन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ लेमन को यूज़ नहीं करना, वरना आपके बाल ड्राई, डैमेज होंगे। नंबर 3, आंवला पाउडर। दोस्तों, आंवला पाउडर हमारे बालों को ब्लैक बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन यूँ नहीं है कि आप सफ़ेद बालों पर आंवला पाउडर लगा लोगे तो आपके बाल सफ़ेद से ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, उन बालों को रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए आंवला पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आंवला पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करके अपने बालों पर लगा के काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। नंबर 3, बालों में दही का इस्तेमाल करके हम बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, बालों को स्मूथर भी बना सकते हैं। जिन लोग के बाल कर्ली, ड्राई, डैमेज है, लेकिन बालों को नेचुरली स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो दही के साथ आप अंडे को मिक्स करके उसके अंदर आप कस्टर्ड ऑयल को मिला लोगे। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करते हो तो आपको बालों में काफ़ी अच्छी स्मूथनेस मिलेगी। कस्टर ऑयल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो हमारे बालों की स्मूथनेस को मेंटेन रखता है। और अंडे का तो फायदा मैंने आपको बताया ही कि हमारे हेयर के फोलिकल्स को रिपेयर करता है, ड्राई, डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अंडा। और दही, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जिससे हमारे स्केल्प की क्लीनिंग होती है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ने लगते हैं, स्केल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दही, अंडा और ओलिव ऑयल भी आप मिक्स करके वीक में एक बार जरूर ट्राई करके देखना आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 4, बालों में गुनगुना हेयर ऑयल यूज़ करना। दोस्तों, अगर आपके बालों की ग्रोथ को जल्दी से बढ़ाना है तो आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो उसको हल्का सा गर्म कर लेना और उसको आपको स्केल्प पर मसाज करना है। दोस्तों, स्केल्प की मसाज करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है अपनी स्केल्प के अंदर। जैसे ही आपकी स्केल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा तो आपके बालों में न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे। जिन लोगों के बालों में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उनके बाल थीन होते, थीन होने के साथ साथ उनके हेयर के फोलिकल्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे उनके हेयर ग्रोथ अटक जाते और उनके बाल उग नहीं पाते, जिससे उनकी टाल आने लगती है, गंजापन की शुरुआत हो जाती है। तो आपको अच्छे से मसाज करना है स्केल्प पर,
आप जब भी मसाज करो तो हल्का सा ऑयल को गर्म करके आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर 5, अनियन का यूज करना। दोस्तों अगर आप अनियन का यूज करते हो तो रेड वाली अनियन का ही यूज करना, उसके अंदर सल्फर बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, जिससे हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही जरूरी है, तो जिन लोग को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो मिनोक्सिडिल यूज करने का सोचते हैं। तो दोस्तों मिनोक्सिडिल की आपको आदत नहीं डालना। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे हो, अगर आपके बाल झड़ने की शुरुआत हुई है, तो आप अनियन का यूज जरूर करो। अनियन को आपको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। आप चाहो तो उसको छिलके का भी यूज कर सकते हैं, आपको फेंकना नहीं है। आपको अनियन के टुकड़े करना है और उसका रस निकालना है, मिक्सर में पीस लेना अच्छी तरीके से। उसका रस का आपको यूज़ करना है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो उसका रस को, अनियन के रस को आप डायरेक्टली लगा सकते हो, या ओलिव ऑयल का यूज़ करके उसके अंदर मिक्स करके भी आप इस अनियन की रेमेडी को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी रेमेडी यूज़ करो तो एक दो बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको उसका रूटीन बनाना पड़ेगा। आप कम से कम एक मंथ तक तो उसको ज़रूर यूज़ करके चेक करना पड़ेगा। जब भी आप अनियन का यूज़ करोगे स्टार्टिंग में, तो आपके हेयर फॉल होंगे दोस्तों, फिर आपके हेयर फॉल रुकेंगे, क्योंकि आपकी स्कैल्प के अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है तब आपको थोड़ा हेयर फॉल होगा, फिर धीरे धीरे आपके हेयर फॉल बिल्कुल कम होने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अनियन का यूज़ कर सकते हो। नंबर 6, कलौंजी। कलौंजी भी हमारे हेयर को हेल्दी रखने के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाती है। तो आप कलौंजी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, या आप कलौंजी को पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या आप उसको बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम ऑयल में अगर उसको बॉईल करोगे, जो भी आप ऑयल के अंदर डाल के उसको बॉईल करके उसको छान के भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। इसका पाउडर के अंदर आपको ऑयल मिला के इसका पेस्ट बना के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से इस कलौंजी को यूज़ कर लेना। नंबर 7, बालों में मेहंदी का इस्तेमाल करना। दोस्तों बालों में मेहंदी लगाने से हमारे बालों की ड्राइनेस कम होती है। जिन लोग के हेयर के क्यूटिकल्स काफ़ी डैमेज हो गए, उसको कम करने के लिए मेहंदी बहुत ही फायदेमंद होगी। लेकिन अभी जो काफ़ी केमिकल वाली जो मेहंदी मिल रही है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। जो नेचुरल मेहंदी होती है उसको लगा के अपने बालों की हेल्थ अच्छी कर सकते हो। नंबर 8, इंटरनल तरीके से हमें बालों की केयर करना है। तो बालों की केयर करने के लिए बायोटिन बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोग डायरेक्ट सप्लीमेंट भी बायोटिन का ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर सलाह दे तभी आप बायोटिन को यूज़ कर सकते हो, या बायोटिन से रिलेटेड फूड को कंज्यूम करके भी अपनी बालों की हेल्थ अच्छी रख सकते हो। जैसे कि वॉलनट है, बादाम है, इन सभी चीज़ों के अंदर बायोटिन पाया जाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी मेंटेन होती है और हमारे बालों की शाइन भी बढ़ने लगती है। और आपको रोज़ाना हेयर ऑयलिंग नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा अगर आप हेयर ऑयलिंग करोगे तो आप ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ करोगे, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से भी हमारे बाल ड्राई डैमेज होते हैं। और शैम्पू अगर आप अच्छा वाला यूज़ करना चाहो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सल्फेट फ्री होगा वो, अगर आप यूज़ करोगे तो आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मित्रों दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।